नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस ब्लॉग्स, मैं हूं सुमन। तो आज का जो वीडियो है वो इस रॉकेट इंजन के बारे में है। जो कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था कि मैं एक रॉकेट इंजन सुगा रॉकेट इंजन बनाऊंगा, तो उसका पहला स्टेज है ये रॉकेट को तैयार करना, जो कि हो गया है। जिसमें एक मैंने 60% जो पोटाशियम नाइट्रेट है और जो 40% है शुगर पाउडर को उसको मिलाकर मैं रॉकेट तैयार किया हूँ। और जो कि उसको एक पैन में लेकर उसको 10 मिनट तक उसको गर्म करना पड़ता है। फिर इसको मोल्डिंग में, ये जो प्लास्टिक का मोल्ड है यानी कि पाइप है, इसमें अंदर इसको जमा कर ये तैयार किया गया है। तो अब मैं टेस्टिंग करूँगा इसका। लेकिन जो ये जो यहाँ पर जो क्ले है ना, नोजल का क्ले है, तो ये सूखा नहीं है अभी तक, तो 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा शायद। तो मैंने एक छोटा सा इसका जो क्ले है, उस जो पोटाशियम नाइट्रेट और शुगर का जो क्ले है यानी कि रॉकेट फ्यूल, उसका मैं एक छोटा सा क्ले ले आया हूँ जिसको मैं अब टेस्ट करने वाला हूँ। तो देखिए आप फिलहाल, तो ठीक है, देखते रहिए ये चैनल वीडियो। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो टेस्ट है वो इस क्ले में होगा जो कि रॉकेट फ्यूल है। तो उसको हम टेस्ट एज ए टेस्ट उसको इग्नाइट करेंगे, आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट क्या आता है। तो उसको जलाया जाता है इस तरह से, तो उसको एक जो एक अगरबत्ती है उसमें आग लगा कर इसको इग्नाइट करेंगे हम। एक मिनट रुको, तो शुरू करो वीडियो। चलो इग्नाइट करो उसको। भाई ये तो सक्सेसफुल आ रहा है, तो ठीक है। यह जो था तो अच्छा हुआ। तो छोटा वाला एक पीस है यहाँ पर, इसको भी हम इग्नाइट करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, इससे पता चलता है जो हमारा टेस्ट है, जो मोल्ड जो रॉकेट फ्यूल है उसका जो इंग्रेडिएंट्स था वो ठीक है, जो उसको इसके साथ हम जो रॉकेट है उसको उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से अब जो क्ले था, जो रॉकेट फ्यूल का क्ले था, उसको हम इग्नाइट किए और वो उसमें से धुआं निकलने लगा ज़ोर से बहुत ही। तो वैसे ही इसमें जो ये रॉकेट फ्यूल है इससे भी उस तरह से धुआं निकलेगा और जो हमारा रॉकेट है उसको थ्रस्ट देगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो थैंक यू, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो तो हमारे साथ रहना और कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।